एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम क्या जो है किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो शाम की एनर्जी है, क्योंकि शाम में वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी तो मैंने सोचा कि चलो यही वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे कि आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की हम बात करेंगे एंड देखेंगे कि क्या कुछ है आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से। कार्ड्स का भी यूज़ करूँगी एंड कैंडल का भी यूज़ करने वाली हूँ मैं। आपके पार्टनर और उनके जो दोस्त हैं उनके बीच क्या बातें हुई, और चंद्र ग्रहण भी है सो उसको लेकर के भी हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण से पहले की रीडिंग है, चंद्र ग्रहण के बाद की रीडिंग कल आपको मिलेगी, ठीक है, उसके लिए भी अपडेट रहना आप, ओके। आज की रीडिंग में टोटली हम देखेंगे, क्योंकि आज की एनर्जी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण है सो स्पेशल ग्रहण है एंड इस साल का आखिरी ग्रहण है ये भी, है ना, तो इसलिए भी चलिए अब हम रीडिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराते रह सकते हैं, आप अपने पार्टनर की पिक्चर देख सकते हैं, आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर सकते हैं, और आप अपने पार्टनर को जो मैसेज देना चाहते हैं, जो दिल से देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या एनर्जीज बताती हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, क्या बातें हो रही थी, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है एनर्जीज में। सो, मुझे ये पिंक कलर का कैंडल जलाने का मन हो रहा है, क्योंकि पिंक सो ये जो है ना थोड़ा सा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, सो इसलिए जो है मैं पिंक कैंडल का यूज़ करने वाली हूँ। आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेशन अपने पार्टनर के ऊपर लगाइए और अपने पार्टनर को फील कीजिए। कैंडल आपके सामने ही लाइट करूँगी मैं, क्योंकि मेरा फंडा है कि मैं आपके सामने ही लाइट करूँगी, ओके। सो स्टार्ट। ओके, सो देखते हैं। ओके, किसी पुराने दोस्त से बात हो रही थी, बहुत पुराना रिश्ता, जैसे कि कॉलेज का हो, स्कूल का हो दोस्त, किसी ऐसे दोस्त से आज बात हो रही थी। आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में स्पेशली बात हुई एंड जो बातें हैं वो गहरी बातें हुई हैं। ये बातें बहुत स्पेशल सी हैं, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अपने दिल की हर एक बात इनसे कहा है, दिल की हर एक बात इस पर्सन ने बोला है, इस पर्सन ने काफ़ी कुछ चीज़ें बोली हैं, काफ़ी कुछ इस पर्सन ने सोचा है, काफ़ी कुछ इस पर्सन ने समझा है एंड मुझे ऐसा फील होता है कि नो, ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर को लगता है कि इस पर्सन ने आज दिल खोल के बातें करी हैं, और दिल खोल के क्या बातें करी हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बातें हुई हैं मुझे ये बताइए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लेटर के बन रहा है, लेटर आर बन रहा है, वाई एंड हार्ट शेप काफ़ी बन रहा है। तो आपके पार्टनर ने काफ़ी क्लियर तरीके से बात करी है कि इनको प्यार आपसे है और दिल से प्यार है, ये दिमाग वाला प्यार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और आपके पार्टनर शिव शंकर भोलेनाथ महादेव के भक्त हो सकते हैं। जो लोग अपने पार्टनर को जानते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर हैं वैसे, हालांकि ये रिलीजन और ये मैटर नहीं करता ये रीडिंग, बट जो मुझे दिखा है वो ओम दिखा है। आपके पार्टनर बातें कर रहे थे कि माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है कभी कभी, बहुत डिस्टर्बेंस होती है कभी कभी,
माइंड में इतनी डिस्टरबेंस होती है, इतनी डिस्टरबेंस होती है कि उस वक्त कोई अपना दिखता नहीं है, और मैं बैठ जाता हूँ अकेले में, खुद से ही बातें करता हूँ। यार क्या करूँ, खुद से ही बातें करना स्टार्ट करता हूँ ना जब, तब लगता है कि यार किस कोई तो अपना हो जिससे मैं ये सारी बातें कहूँ। और देखो आज तुम मिल गए, आज तुम मिल भी गए और तुमसे बातें भी हुई हैं, और तुमसे जो भी बातें हो रही है ना, तुम्हें पता है ना कि जो भी होता है दिल से होता है हम दोनों के बीच में, या दिल से ही बातें करता हूँ मैं तुमसे तो स्पेशली। यार मेरी ज़िंदगी का पैटर्न मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें होनी चाहिए क्या, ये सही है या गलत है, इन सारी चीज़ों में मैं पड़ा हुआ हूँ। कोई आइडिया नहीं लग रहा है मुझे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, या करूँ भी कि ना करूँ। यार कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन हो गया है, बहुत खालीपन हो गया है, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में नज़र आ रही है। मन करता है कभी कभी उसके पास चला जाऊं और उसे बोल दूं अपने दिल की बात, लेकिन यार नहीं हो पाता मेरे से, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, मन किसी से बात करने का नहीं हो रहा, अकेले में काफ़ी वक्त गुजार रहा हूँ, देख रहे हो मैं ऑनलाइन भी ज़्यादा नहीं होता, आजकल ऑनलाइन आना बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि मुझे किसी से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं। और तुमसे इतने टाइम के बाद मिल रहा हूँ, इतने टाइम के बाद हम दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि यार प्यार बहुत मुश्किल से हुआ है, यकीन किसी के ऊपर बहुत मुश्किल से हुआ है। ऐसे तो तुम्हें पता है कि मैं यकीन किसी के ऊपर करता नहीं, लेकिन अब हो सा गया है, अब ऐसा लगता है जैसे कि अब कभी भी जुदा नहीं हो पाऊँगा, कभी भी नहीं, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। ये कल जो है ना मेरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, ये चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं मेरे लाइफ में। मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, मैं कभी भी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, कभी भी नहीं, और कभी पढ़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, ये लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन आज जब मैं उससे खुद प्यार करने लगा हूँ ना, और दिल से करने लगा हूँ, तब से मुझे लगता है कि यार प्यार खूबसूरत तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफदायक भी है, बहुत तकलीफ़ देता है ये, बहुत रुलाता है, बहुत तड़पाता है, बहुत ज़्यादा। और तुम्हें पता भी है मेरे आंसू पोछने वाला भी कोई नहीं होता। ये तुमसे मैं दिल की बातें पता नहीं क्यों बताए जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट जो भी हो रहा ना यार, मेरा दिल टूट रहा है इससे, मेरा दिल बहुत 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 ज़्यादा टूट रहा है। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, जो भी कर रहा हूँ ना ये, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ, इस अकेलेपन का साथी मेरा अभी तो कोई नहीं है, पता नहीं कल होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन आज तुम हो तो दिल की बातें भी निकल रही हैं, और थोड़ा सा मैं मजाक भी कर रहा हूँ। यार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि ध्यान मेरा नहीं होता, कभी कभी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, काम की वजह से हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। कभी कभी मन करता है कि नहीं, मैं इस रिश्ते से अपना पीछा छुड़ा लूँ, और ट्राई भी किया है, मैंने ट्राई किया, लेकिन यार उसका ख्याल नहीं जा रहा है दिल से। मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, फिर से उसकी बातों पे, फिर से उसके एनर्जीज पे सब कुछ मैं फोकस करने लगता हूँ। यार धीरे 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 करके मुझे लगता है कि वो मेरे दिल में है, वो मेरे दिल में बस गई है, वो मेरे दिल में है, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सुकून फील करता हूँ उसके लिए। जब मेरे दिल की बातें होती है ना, जब मैं अपने आप को टटोलता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा मेरे से, कुछ तो करो मेरे लिए, कुछ तो करो। ऐसा यार समझ नहीं आता है कि डिसीज़न लूँ नहीं लूँ, क्या करूँ क्या ना लूँ, डिसीज़न नहीं ले पा रहा मैं बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खालीपन में फील कर रहा हूँ, अपने आप के साथ मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहा हूँ, दिल से मैं मैनेज कर रहा हूँ, दिल से
एक होता है ना कि दुआ निकलती है, वो दिल की दुआ जो है ना कहीं अधूरी है मेरी, वो दिल की दुआ अधूरी है, वो दिल का जो दर्द है वो अधूरा है, बहुत ज़्यादा अधूरा है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं सही रास्ते पे हूँ भी कि नहीं हूँ, मुझे ये भी टेंशन होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, मेरी वजह से वो चीज़ें हो रही हैं। कभी उसको परेशान देखता हूँ तो मेरा जी मचलने लगता है कि मेरी वजह से शायद परेशानी है, मेरी वजह से शायद उसको कोई प्रॉब्लम है, मेरी वजह से बहुत ऑब्स्टिकल्स आए हैं, बहुत चैलेंजेस आए हैं, और मैं नहीं करना चाहता ये सब, मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को दूर रखना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों से। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर से बेचैनी सी हो रही है, अंदर से मन कभी कभी रोने का कर रहा है, अंदर से कभी कभी ऐसा हो रहा है कि जग भूल जाऊँ मैं, किसी किसी से नहीं पूछूँ क्या है क्या नहीं है, सब कुछ भूलने को तैयार हो जाऊँ मैं। कभी इतना ज़्यादा डीपली फील करता हूँ उसके लिए, कभी इतना मरने लगता हूँ उसके लिए, कभी लगता है कि जी भी नहीं पाऊँगा शायद अब तो नहीं जी पाऊँगा, मुझे लगता है कि मैं नहीं जी पाऊँगा, कुछ भी नहीं, मैं नहीं जी पाऊँगा। क्या है ना कि मैंने प्यार किया और इतना डीपली किया, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इतना डीपली लव होगा किसी से, और मुझे हो गया यार, मुझसे हो गया, मैंने प्यार किया और मुझसे हुआ भी यार। अब आइडिया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा ना बहुत अलग होगा, बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जो भी होगा जैसे भी होगा, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में मैं आगे सरवाइव कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन दिल से यही दुआ है कि मैं जो भी करूँ जैसा भी करूँ मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है यार। रिलेशनशिप में मैं इतना ज़्यादा अकेला नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, अपने आप को खालीपन में मैं नहीं फील कर सकता, अपने आप का अकेलापन, अपने आप का खालीपन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे लगता है कि कभी भी अपने आप से दूर रहना, अपने आप से दूर रह कर के बातें करना अजीब लगता है ना। मुझे लगता है कि मेरी आत्मा जुड़ चुकी है उसके साथ, और आज तो एकदम से बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों। दिल में तन्हाई बहुत है, गहराई बहुत है, एंड अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। दिल चाहता है अभी चला जाऊँ उसके पास, दिल चाहता है कि कैसे 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 मैं जाऊँ, कैसे मैं उसे इग्नोर करूँ, कैसे मैं उसे तकलीफ़ दूँ, कैसे मैं उसके पास आ जाऊँ। यार दिल बहुत चाहता है, बहुत ज़्यादा दिल चाहता है, और दिल चाहता है कि बस और कुछ नहीं, वो पास रहे, और कुछ नहीं चाहिए, कोई मजबूरी नहीं, कुछ ऐसा नहीं, बस वो रहे तो सब कुछ है मेरे पास, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। जीवन का कोई सुख मेरे लिए सुख नहीं है, वो तकलीफ़ है, वो दर्द है मेरे लिए, अकेलापन है, खालीपन है वो मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, वो क्या है जो मैं उसमें ढूंढता हूँ, और उसे पता है कि वो मेरे पास है, वो क्या है ऐसा मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे दर्द देता है, मुझे पता नहीं क्यों होता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हो पाऊँगा ना, मैं नहीं कर पाऊँगा ना, ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाता ना मैं खुद को, नहीं हो पाता मेरे से, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, बट मैं बहुत तनाव हूँ यार, बहुत अकेला हूँ। रोने का जी करता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा करता है कि कहीं चला जाऊँ, और इतना वीक फील करता हूँ कि क्या ही बताऊँ तुम्हें। तुम मुझे कुछ बता सकते हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करो, प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं अपने मन को कैसे शांत करूँ, कैसे करूँ मैं ये सारी चीज़ें, उसके बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है मेरी लाइफ में, इतना तुम समझ लेना। तो चलिए देखते हैं कि अब इनका क्या कहना है, आपके जो पार्टनर है, जो दोस्त है, वो क्या कह रहे हैं। सो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एंड कम से कम 3 से 4 लोगों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। यही है एनर्जी एक्सचेंज। ओके, चलिए करते हैं अब स्टार्ट। देखते हैं कि इनके दोस्त ने क्या कहा। इनके दोस्त हंसते हुए बोलते हुए दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, ये पर्सन मुस्कुरा रहे हैं। ये पर्सन का कहना है कि तू पागल है, इतना इमोशनल हो रहा है, तू पागल है क्या, इतना इमोशनल, वो भी किसी के लिए, अपनी फैमिली के अलावा तो तेरा किसी से उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था ना, तेरी फैमिली ही तेरे लिए सब कुछ थी, तो आज कोई तेरी ज़िंदगी में ऐसा भी आ गया है कि वो तेरी फैमिली से भी इम्पॉर्टेंट है। सच में बहुत अजीब लग रहा है, बहुत अलग सा लग रहा है यार, सच में ऐसी बात है, तू ना प्यार करता है तो एक्सेप्ट कर, प्यार करता है तो हासिल करने की चाहत रख, किसी और के लिए मत छोड़, किसी और के लिए मत छोड़। तेरी ज़िंदगी तू जानता है, तेरी लाइफ उसके साथ कटेगी नहीं कटेगी ये तू जानता है, तेरी ज़िंदगी का वो प्यारा सा हिसाब किताब तूने लगाया ही होगा, और वो प्यारा सा हिसाब किताब मुझे पता है कि तू कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। तू अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस के साथ देख, मुझे पता है तेरे लिए मुश्किल है, किसी से इतना प्यार हुआ तुझे और उसके बगैर रहना तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन तू देख तेरा फ्यूचर है भी उसके साथ कि नहीं है, क्योंकि फ्यूचर को देख के ही तुझे करना है जो करना है, फ्यूचर को देख के ही तुझे ये सारी चीज़ें करनी है, जो भी करनी है ना फ्यूचर को देख के ही करनी है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि हाँ फ्यूचर को लेकर के और ये सारी चीज़ें, डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें, देख मैं मानूँ तो तू प्यार में तो डूब चुका है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से डूब चुका है, और डूबा भी है तो बहुत गहरा, जहाँ से तेरा वापस आना नामुमकिन है। जिस तरीके की तू बातें कर रहा है ना, सच में मुझे लगा नहीं था कि तुझे इतनी मोहब्बत होगी किसी से, इतनी मोहब्बत। वाकई में प्यार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बुरा है कि हाँ तू एक्शन लेने में, डिसीज़न लेने में इतना घबरा क्यों रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है तुझे, इतने इश्यूज क्यों हो रहे हैं तुझे, क्यों होता है तुझे ये बार बार एन्जाइटी, स्ट्रेस, और ये क्यों हो रहा है तुझे। तूने कॉल पे भी बताया था कि तुझे एन्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा है, क्यों, क्या डर रहा है तू उसकी तरफ आगे बढ़ने से, प्रपोजल देने से, या उसे बात करने से, क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जो है वही बताना, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो फिर सोल्यूशन निकलना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल है ना, सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा उसका, फिर तुम्हें करना होगा ना बाबू, आगे तो तुम्हें बढ़ना होगा। तुम्हें अगर डिसीजन लेना है तो दोनों के बारे में सोच के लेना होगा, दोनों के बारे में सोच करके लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक दो दिन का रिलेशनशिप तो 3 महीने निभाना नहीं है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह करके इस रिश्ते को निभाना है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को निभा करके आपके साथ, मतलब एक होता है ना कि हाँ आपके पार्टनर आपको छोड़ किसी और के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है। सो ये पर्सन की एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा वो जो दर्द है ना, थोड़ी सी वो जो तकलीफें हैं ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम मैनेज करो, मैनेज तो तुम्हें करना होगा, तुम्हें मैनेज करना ही होगा, ठीक है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम डट के सामना करो, डट के सामने खड़े रहो, अगर नहीं कर सकते तो फिर
देखते हैं क्या कर सकते हैं। जिंदगी में एक अधूरापन आ गया है, खालीपन आ गया है, जिंदगी तबाह सी रहने लगी है, जिंदगी में डिस्टर्बेंस ही रहने लगी है, जिंदगी में अकेलापन आ चुका है, खालीपन आ चुका है, तो क्यों परेशान हो रहे हो ना, जिंदगी ही तो है। मुश्किलों का सामना करो, डिसीज़न लो, तुम्हें डिसीज़न खुद के लिए लेना है, और डिसीज़न ऐसा लेना जिससे मुझे भी फ़क्र हो कि हाँ सच में तुम्हारा डिसीज़न तो बेस्ट था। ठीक है, तुम्हारा डिसीज़न बेस्ट था, तुम्हारा डिसीज़न जो है ना वो बेस्ट है। डिसीज़न ऐसा होगा जिसे तुम कभी भुला नहीं पाओगे, जिसे तुम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा डिसीज़न तुम्हें लेना होगा, ऐसा डिसीज़न तुम्हें मतलब करना होगा। और काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर जो है बोल चुके हैं, और इनका कहना ये है कि देख तू ज़्यादा मत सोच, कोई ना कोई सलूशन निकाल लेंगे हम तू टेंशन मत ले, कोई ना कोई सलूशन तो निकालेंगे ही निकालेंगे हम। ठीक है, रिलैक्स कर और देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगर मैं देखूँ तो ये एनर्जी मुझे दिखी है, एंड काफ़ी क्लियर तरीके से दिख रहा है जो भी है। आप लोगों को आई होप इस रीडिंग में क्लैरिटी मिली होगी, इस रीडिंग में काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड अभी हम टैरो से देखेंगे कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, क्योंकि मुझे लगता है कि टैरो से थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है। सो इसको मैं थोड़ा साइड करती हूँ एंड हम अब टैरो से देखते हैं। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, हमें गाइड करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, फोर ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, थ्री ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, डेविल की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में देखा जाए तो आपके पार्टनर तो काफ़ी सोच विचार करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सोच विचार करने वाले हैं आपके पार्टनर के अंदर। मुझे दिख रहा है कि होते ना इनके थॉट्स काफ़ी अनएक्सपेक्टेड से, ऐसा लगता है कि अरे यार क्या है ये पर्सन, कभी ऐसे तो नहीं करेगा, कभी वैसे तो नहीं करेगा। कभी कभी लगता है कि क्या ये रिश्ता सिक्योर है कि नहीं है, कभी कभी आपको लगता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है, एंड ये रिश्ता आपके लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा दिख रहा है कि इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के आपको टेंशन बनी हुई है, और ये टेंशन लगातार बनी हुई है। इस टेंशन में आप भी चुप नहीं रह सकते हो, आपके अंदर भी वो कहते ना कि वो शांत सा हो गए हो, आप एकदम शांत से हो गए हो। आपको लगने लगा है कि यार मैं शांत रहूं या मैं बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मैं शांत रहूं या बोलूं, क्योंकि मुझे ये रिश्ता चाहिए। आप अपने आप को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करने लगे हो, आपको लगने लगा है कि यार क्या मैं, आप खुद अपने आप के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो कि क्या मैं राइट हूँ और क्या मैं रॉन्ग हूँ। ठीक है, सो आप इन सारी चीज़ों में बने हुए हो। वहीं आपके रिश्ते की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो देखो फ्यूचर में चीज़ें हैं, दिख रहा है, लेकिन इस रिश्ते को समझना ज़रूरी है। इस रिश्ते में जितना समझोगे उतना ही ज़्यादा कुछ आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। इस रिश्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें समझनी होंगी, काफ़ी कुछ चीज़ समझ करके है ना देखना होगा, काफ़ी कुछ चीज़ समझ करके और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो एक डिस्टर्बेंस है ना, वो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए, पॉजिटिव एक ऑरा होना चाहिए, है ना। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि यस आप थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ इस रिश्ते में पॉजिटिविटी या इस रिश्ते में जो पॉजिटिव एनर्जी का आप
जो है आप एक्सपेक्टेशंस अपने मन में अपने दिल में बना के बैठे थे, वो पॉजिटिव से जो है ना एनर्जी वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये ऐसे नहीं छोड़ सकते आप दोनों, ठीक है। सो यस, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग जो भी मुझे नज़र आई है, एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके करियर में क्या चल रहा है, या क्या कर सकते हो वो क्लैरिटी दूँ, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आपको पे करके ही अपनी बुकिंग को कन्फर्म करना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एंड चलिए फिर मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हार्टफिल टैरो के नाम से आप लोग सर्च करेंगे, आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, मेरी आईडी दिख जाएगी। सो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।